हाय गाइस, दिस इज़ पलक मालविया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक जेल लाइनर का रिव्यू करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करिएगा, तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। जिस लाइनर का मैं रिव्यू आज कर रही हूँ वो है ये म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर। देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या आपको एक इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो इस बॉक्स पर मुझे कहीं पर भी इसका MRP नहीं दिखा है, कहीं पर भी इन लोगों ने इसका MRP मेंशन नहीं किया है। बट ये आपको अराउंड 200 से 250 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको इजीली 20-30-45% भी इस पर डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाता है। तो देखते हैं कंपनी क्या क्लेम करती है इस पर लिखा हुआ है लॉन्ग वियर जेल आईलाइनर, स्मश प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग। ये स्मश प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है और ये 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग भी है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो यह लिखा हुआ है पावरफुल वाटर प्रूफ, एंटी स्वेट एंड एंटी ऑयल फॉर्मुलेशन, द इफेक्ट इज लास्टिंग, सॉफ्ट टेक्स्चर। इसका जो टेक्स्चर आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा, सॉफ्ट लगेगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। ब्राइट कलर है, बहुत ही पिगमेंटेड, जो उसके कलर्स है वो काफ़ी पिगमेंटेड है एंड स्मूथ। अगर इसकी मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ग्राम, आपको हर एक पॉट में आपको 3-3 ग्राम इसमें अलग अलग मिलेगा। अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं। इसमें आपको ऐसे 2 छोटे छोटे से पॉट्स मिलेंगे और 2 इसमें आपको स्मॉल ब्रश मिलेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये स्मॉल ऐसे मुझे 2 ब्रश इसमें मिले हैं एंड फर्स्ट ये है ब्लैक कलर, ये देख सकते हैं आप, उसको मैं यूज़ भी बहुत बार कर चुकी हूँ। एंड सेकंड जो कलर मुझे रिसीव हुआ है वो है ब्राउन कलर, ये देख सकते हैं आप ब्राउन कलर है, इसे भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें आपको ग्रीन और ब्लू भी आता है, जैसे मेरे पास ब्लैक के साथ ब्राउन आया है वैसे इसमें ब्लैक के साथ कभी ग्रीन भी आता है और कभी ब्लू भी आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा परचेस करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये ब्लैक कलर अपने हैंड्स पे पहले अप्लाई करके बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अपने आइस पे से अप्लाई करूँगी। तो इसमें जो ब्रश आया था इसी की हेल्प से मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड एक बात और, जब भी आप जेल लाइनर का यूज़ करें तो उससे तुरंत आप उसकी जो पॉट है उसको तुरंत आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपने उसे ऐसे खुला छोड़ दे तो वो ड्राई हो जाएगा, फिर आपका जेल लाइनर ख़राब हो जाएगा। मैं आपको अपने हैंड्स पे ऐसे बताती हूँ ड्रॉ करके, देख सकते हैं एक ही बार में कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट था, स्मूथ इसका टेक्सचर है, बहुत इजीली मेरे हैंड्स पे अप्लाई हो गया। अब हम इसका टेस्ट करके देखते हैं कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं। तो 2 मिनट का वेट करते हैं जब तक ये ड्राई हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसे स्मच करके देखते हैं कि स्मच होता है या नहीं। सो फ्रेंड्स मेरा ये लाइनर ड्राई हो गया है, अब मैं आपको इसे स्मच करके बताती हूँ। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रहा है, ये इट मीन्स ये 100% स्मच प्रूफ है। अब हम इसका वाटर टेस्ट भी करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के देखती हूँ और देखती हूँ कि ये वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं। देख सकते हैं ये 100% वाटर रेजिस्टेंस भी है। सो गाइस इसमें जो लिखा हुआ है क्लेम है कि 100% स्मच प्रूफ है एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा जेल लाइनर है। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप कोई भी पार्टी मेकअप लुक कर रहे हैं या फिर इवन आप ब्राइडल भी मेकअप कर रहे हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब मैं इसे आपको अपनी आईज पे अप्लाई करके बताती हूँ। तो गाइस ये ब्लैक कलर मैंने थोड़ा सा इस ब्रश में ले लिया है, अब मैं इसे अपने आईज पे अप्लाई करती हूँ।
सो गाइस देख सकते हैं कितना इजीली अप्लाई हो गया है और कितना अच्छा जेड ब्लैक इसका कलर है। सो फ्रेंड्स मैंने अपने दोनों आईज में से अप्लाई कर लिया है एंड आप इसे अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसमें जो एक ब्राउन कलर का जो एक और आपको जेल लाइनर रिसीव हुआ है उसे आप अपने आईब्रो को भी फिल कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने आईज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे एज अ अपने मतलब आईब्रो को फिल करने पे इसका यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे से मेरे आईब्रो इससे फिल हो जाती हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मुझे मिलता है। फ्रेंड्स हाईली रिकमेंडेड है ये जेल आईलाइनर, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा जेल लाइनर परचेज़ करना तो ये काफ़ी अच्छा जेल लाइनर है, आप ज़रूर से परचेज़ करके देखिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है, सो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।